अब बहुत लोग सवाल ये भी पूछते हैं, तो माँ हमारी गरीबी का क्या होगा? ठीक बात, गरीबी कहाँ से आती है पहले ये बात सोचना चाहिए। स्वार्थ, स्वार्थ से आती, लेकिन जब इंसान निस्वार्थी हो जाए और जब वो सामूहिकता में आ जाए तो इस तरह का जो संगठित रूप होगा वो इस गरीबी को बिल्कुल हटा सकता है। अब आपसे क्या बताएं कि सहयोग में बीमारियां ठीक हो जाती हैं, एक पैसा नहीं देना पड़ता। कैंसर से लेकर हर तरह की बीमारियां ठीक हुई। अब कल ही वहां आपने देखा होगा कि एक स्त्री थी, उसको दिखाई नहीं देता था। उसने आके मुझसे कहा कि माँ मैं आपके दर्शन के लिए इतने दूर से आई हूँ और मुझे दिखाई नहीं देता। तो मैंने बस उसके सामने एक कैंडल पकड़ा और थोड़ी देर में कहती मुझे सब दिखाई देने लगे। कुछ मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई और उसने यहाँ पे ऑप्टिक ग्लोब में लाइट डाल दी और वो देखने लग गई। एक लड़की थी, गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी। उसको ले आए मेरे पास, उसके कान में मैंने सिर्फ कृष्ण का मंत्र कहा और उस मंत्र से वो बोलने लगे। उसने उसी वक्त माँ करके मुझे पुकारा और फिर वो बोलने लगे। अब ये कोई चमत्कार नहीं है मेरे लिए, कोई भी चमत्कार आपके लिए चमत्कार हो गया, ये कोई चमत्कार की बात नहीं। देखिए ये जो कुंडलिनी है ना, ये जब जागृत होती है तो ये जो छह चक्रों में से गुजरती है और इन छह चक्रों में से गुजरते वक्त ये आपके चक्रों को पूरी तरह से प्रकाशित करती है और उसके अंदर उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी भर देती है। इन चक्रों की गड़बड़ी से ही आप बीमार रहते हैं, आपको तकलीफ है। और जब ये कुंडलिनी उठ गई तो फिर क्या कहने, फिर सभी चीज ठीक हो गई, सभी मामले ठीक हो जाते हैं। और इस तरह से हजारों लोग ठीक हो गए। और कोई अगर शैतानी करके आए तो नहीं ठीक होता, पता नहीं क्यों। कुंडलिनी बहुत जानती है, ये आपकी माँ है, हर एक की अलग अलग माँ है। और जैसे टेप रिकॉर्डिंग होता है उस तरह से आपके बारे में हर एक चीज वो जानती है। और अगर आपके अंदर नम्रता है तो कुंडलिनी चढ़ के सारे काम ठीक। कितने ही लोग सहयोग से ठीक हो गए, ये सच बात, ये झूठ बात है, किंतु ठीक होने के लिए सहयोग में ना आई, पार होने के लिए आई। वो अच्छा है, पार होते ही आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी।